तो इस मूवी की शुरुआत में हम सारा वॉकर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि मिरर के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। सारा एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी लेकिन वो अपनी बॉडी को लेकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारा एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में वेटर्स का काम करती है जहाँ पर फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं था, लेकिन सारा के फ़ोन पर कुछ नोटिफिकेशन आ जाता है जिसे वो चुपकर देखने लगती है और उसे ऐसा करते हुए उसका बॉस उसे देख लेता है। फिर जब सारा वहाँ से जाने लगती है तो सारा का बॉस उसे बहुत ही गंदी नज़र से देख रहा था। सारा वहाँ से निकलकर एक जगह पर ऑडिशन देने के लिए आती है जहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होने की वजह से वो बाथरूम में जाकर अपने बालों को नोचने लगती है। फिर अब सारा अपने घर पर ऑनलाइन काम ढूंढ रही थी जहाँ पर उसे एक एक्ट्रेस की रिक्वायरमेंट की पोस्ट दिखाई देती है जिस पर सारा अप्लाई कर देती है। फिर सारा एक पार्टी अटेंड करने के लिए चली जाती है जहाँ पर उसके कुछ फ्रेंड्स हमें दिखाए जाते हैं जिनका नाम डेनी, पोए और ट्रेसी था। डेनी सभी के साथ मिलकर एक छोटी फिल्म बनाना चाहता था लेकिन सारा इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी क्योंकि वो एक बड़ी फिल्म में काम करना चाहती थी। सारा को पार्टी में अच्छा फील नहीं हो रहा था जिस वजह से वो पार्टी को बीच में छोड़कर ही वहाँ से चली जाती है और उसका पीछा करते हुए डेनी भी बाहर आ जाता है। फिर वे मूवी की स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। सारा का पूरा फोकस सिर्फ फ़ोन में होता है और वो डेनी की तरफ ध्यान नहीं देती है। तभी सारा के फ़ोन पर एक मैसेज आ जाता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसे कल ऑडिशन के लिए बुलाया गया है और उसे देखकर सारा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। सारा ऑडिशन के लिए पहुंच जाती है जहां पर स्क्रिप्ट प्रॉपर नहीं होने की वजह से वो उसे ठीक से नहीं पढ़ पाती है। जब वो पेज को टर्न करती है तो आगे वाला पेज ब्लैंक था। तभी सडनली उसका सिर से खून आने लगता है और उससे डर कर वो चीखने लगती है। अचानक से उसकी आँख खुलती है और उससे ये पता चलता है कि वो एक नाइटमेयर था। नेक्स्ट डे सारा ऑडिशन के लिए निकल जाती है जहाँ पर वो हाथ में अपनी स्क्रिप्ट लेकर अपनी बारी आने का वेट करती है। तभी सडनली एक लड़की रोते हुए ऑडिशन रूम से बाहर निकलती है और अब अगली बारी सारा की थी। सारा कॉन्फिडेंटली अंदर जाती है और फिर कास्टिंग डायरेक्टर और उसके असिस्टेंट के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करती है। फिर सारा अपने एम्बिशन के बारे में बताने लगती है और तभी असिस्टेंट उसे बीच में रोक देता है और उसे सीधा अपना परफॉर्मेंस देने के लिए कह देता है। परफॉर्मेंस के बाद में अब सारा उन लोगों के सामने ऑडिशन देने लगती है और इस तरीके से वो उस कैरेक्टर में घुस जाती है और उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन डायरेक्टर और उसका असिस्टेंट दोनों उसके इस परफॉर्मेंस से इम्प्रेस नहीं थे, जिसके बाद में सारा उनसे उनका रिव्यू मांगती है। लेकिन असिस्टेंट कहता है कि वो लोग देख चुके हैं जो भी उन्हें देखना था और अब वो यहाँ से जा सकती है। सारा अब काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रही थी और फिर वो वहाँ से अपना सामान उठाकर बाथरूम में चली जाती है। वहाँ पर जाकर वो अपने बालों को नोचने लगती है और ये सब करके सारा को थोड़ा अच्छा फील होता है। जब वो वहाँ से बाहर आती है तो कास्टिंग डायरेक्टर वहीं पर बाहर खड़ी हुई थी जो उसे ये सब करते हुए देख चुकी थी और वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वो सारा को फिर से ऑडिशन रूम में ले जाकर ये सब करने को कहती है और सारा ऑडिशन रूम में जाकर फिर से अपने बालों को नोचती है लेकिन फिर भी वो रिजेक्ट हो जाती है। और अब सारा उसी हालत में उस जगह से बाहर आती है और ये सोचती है कि उन लोगों ने उसका बस मजाक बनाया है। फिर अगली मॉर्निंग रेस्टोरेंट में सारा और दूसरी वेट्रेस उनके एक कस्टमर के लिए बर्थडे सॉन्ग गा रही थी। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है जिसे वो रिसीव नहीं कर पाती है और फिर वो रेस्टोरेंट से बाहर आकर उस नंबर पर कॉल बैक करती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि जो उसने लास्ट ऑडिशन दिया था उसमें वो सिलेक्ट हो गई है और उसे अगले राउंड के लिए फिर से आना पड़ेगा। सारा इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। ये सारी बातें सारा को बॉस सुन लेता है और उसे अपने ऑफिस में बुलाकर सारा से इस बारे में बातें करके उसे बहुत ही सुनाने लगता है, जिस पर सारा को अपने जॉब को क्विट करना ज़्यादा अच्छा लगता है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे सारा ऑडिशन की लोकेशन पर पहुँचती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि स्पॉटलाइट के नीचे खड़े होकर उसे अपना न्यूड फोटोशूट करवाना है। सारा इस बात पर कास्टिंग डायरेक्टर से ये कहती है कि कॉल पर उन्होंने ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन थोड़ा सा सोचने के बाद में सारा अपने न्यूड फोटोशूट के लिए रेडी हो जाती है। पहले वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी लेकिन कुछ ही देर में वो एकदम फ्री होकर फोटोशूट करवाने लगती है और तभी हमें उसके चेहरे में किसी डेमन का चेहरा नजर आता है जो कि कुछ सेकंड के लिए ही होता है। फोटोशूट होने के बाद में एक लेडी उसके पास में आती है और सारा से कहती है कि उसे सिलेक्ट कर लिया गया है, उसने ठीक वैसा ही किया है जैसा उन्हें चाहिए था। सारा इस बात को सुनकर खुश हो जाती है। सारा की नज़र उस लेडी के गले पर पड़ती है क्योंकि उस लेडी ने एक स्टार वाला लॉकेट पहन रखा था।
फिर सारा वहाँ से बाहर आती है और खुशी से हंसने लगती है, क्योंकि उसे अब यकीन हो गया था कि ये रोल उसे मिल चुका है। ऑडिशन के बाद में सारा अपने दोस्तों के पास एक पूल पार्टी में जाती है, जहाँ पर सभी लोग उसे उस ऑडिशन के बारे में पूछते हैं, क्योंकि ट्रेसी उन्हें इस बारे में बता चुकी थी। तभी एरिन सारा को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कहता है कि प्रोडक्शन हाउस ज़्यादा बड़ा नहीं है और ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, जिस पर सारा ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और वहाँ से सेकंड फ्लोर पर जाती है, जहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड ट्रेसी थी। वो दोनों कुछ बातें कर ही रहे थे कि अचानक से पूल के पास एशली का पैर फिसल जाता है और उसके फेस पर चोट लग जाती है। इसे देखकर सारा को हंसी आ जाती है, जिस पर ट्रेसी सारा को एक बहुत ही वियर्ड लुक देती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब सारा को डायरेक्टर का कॉल आता है, क्योंकि प्रोड्यूसर सारा से मिलना चाहता था, और ये बात सुनते ही सारा खुशी से झूमने लगती है। फिर शाम को सारा रेडी होकर प्रोड्यूसर से मिलने के लिए निकलती है और जाते टाइम अपने फ्रेंड से भी मिल लेती है, जो कि उसके रूम के बाहर हॉल में हैंग आउट कर रहे थे। फिर जब वो अपने रूम से बाहर आती है तो सभी लोग उसे देखकर अमेज्ड हो जाते हैं, क्योंकि सारा रेड ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। एरिन जिलस होकर उसे कहती है कि उसने ये जो ड्रेस पहना है ये कुछ ज़्यादा ही ओवर लग रहा है, जिस पर ट्रेसी सारा की तारीफ करती है और उसे गुड लक विश करती है। और इस सब के बाद में सारा वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सारा अपनी लोकेशन पर पहुँच जाती है, जहाँ पर डायरेक्टर उसे ग्रीट करती है और प्रोड्यूसर से मिलवाने ले जाती है। सारा प्रोड्यूसर से मिलती है तो प्रोड्यूसर उसके हाथ पर किस करते हुए उसकी खूबसूरती पर कॉम्प्लीमेंट देता है। फिर बातों ही बातों में प्रोड्यूसर सारा को टच करने लगता है और अपने इंटेंशन क्लियर कर देता है कि वो सारा के साथ में इंटीमेट होना चाहता है। ये सब सुनकर सारा शॉक्ड हो जाती है और वो इन सब के लिए मना करके अपने घर के लिए निकल जाती है। सारा फिर अब अपने रूम में जाकर रोती है, तभी उसकी फ्रेंड ट्रेसी वहाँ पर आ जाती है और उसे कंफर्ट करती है। सारा ट्रेसी को फिर प्रोड्यूसर के इंटेंशन के बारे में खुलकर बताती है, जिससे सुनकर ट्रेसी ये कहती है कि ये उन लोगों ने सही नहीं किया और इतनी जल्दी कोई तुम्हें लीड रोल कैसे दे सकता है, ये बात तुम्हें अजीब नहीं लगती, जिस पर सारा कोई जवाब नहीं देती है। अगले दिन सारा वापस अपने रेस्टोरेंट के ओनर के पास जाती है उसे वापस काम मांगने के लिए, जिस पर पहले तो वो भाव खाता है, लेकिन फिर वो सारा को अपने काम पर वापस रख लेता है। और हम देखते हैं कि सारा अपने फ्रेंड के साथ में हैंग आउट कर रही थी, लेकिन वो कल हुए उस इंसिडेंट से काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी, तो इसीलिए वो सब लोगों से अलग जाकर ड्रिंक करती है। देन सडनली डैनी सारा के पास में आ जाता है और उसे कहता है कि वो जानता है कि उसके साथ में क्या हुआ है। फिर वो सारा को अपनी फिल्म में काम के लिए ऑफर करता है, क्योंकि डैनी सारा में इंटरेस्टेड था। सारा डैनी की फिल्म में काम करने के लिए मान जाती है, जिसके बाद में डैनी उसे ड्रग्स की पिल्स खिलाता है और कहता है कि इसे लेने के बाद में तुम ये रात कभी नहीं भूल पाओगी। फिर हम सारा को अपने फ्रेंड्स के साथ में पूल में एंजॉय करते हुए देखते हैं, जहाँ पर डैनी सभी की पिक्चर्स को क्लिक कर रहा था। वो तभी एरिन जाकर डैनी को किस करती है। ये देखकर सारा को प्रोड्यूसर की बातें याद आने लगती है और वो इमीजिएटली जाकर प्रोडक्शन हाउस में कॉल करके प्रोड्यूसर से मिलने के लिए कह देती है, जहाँ पर उसे एक घंटे में पहुँचना था। सारा तुरंत ही रेडी होकर वहाँ के लिए निकल जाती है और वहाँ पर पहुँचकर डायरेक्टर उसे प्रोड्यूसर के पास में लेकर जाती है। सारा प्रोड्यूसर से कहती है कि उससे बहुत ही बड़ी गलती हुई है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब वो सब कुछ करने के लिए रेडी है जो भी वो लोग चाहते हैं। फिर सारा खुद को प्रूव करने के लिए प्रोड्यूसर को प्लेजर देने लगती है। प्रोड्यूसर के हाथ पर भी वैसा ही स्टार वाला मार्क था जैसा कि डायरेक्टर ने अपने गले में लॉकेट पहना हुआ था। फिर इसी दौरान हमें दो आदमी दिखाए जाते हैं जिन्होंने काले कलर के कपड़े पहने हुए थे और उनका फेस भी काला था, जो कि ये सब कुछ देख रहे थे। अब अगले दिन सारा अपने घर पर थी और जब सारा की नींद खुलती है तो खुद को बीमार महसूस कर रही थी और वो इसी कंडीशन में रेस्टोरेंट में काम करने के लिए चली जाती है। लेकिन काम के टाइम पर सारा की तबीयत और बिगड़ने लगती है और उसे देखकर उसका बॉस उसे घर जाने के लिए कह देता है, जिस पर सारा उसे सबके सामने थप्पड़ मार देती है और इसीलिए उसका बॉस उसे काम से निकाल देता है। अब अगली सुबह सारा की तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगी थी और वो फिर प्रोडक्शन हाउस में कॉल करके अपनी तबीयत के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन वहाँ का कॉल नहीं लगता है तो इसीलिए वो अपने वॉइस मैसेज को डाल देती है। फिर उसी शाम सारा अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठी होती है और उसकी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वो उन लोगों के साथ में अजीब हरकतें कर रही थी, जो कि उसके फ्रेंड्स को भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। जिसके बाद में सारा वहाँ से प्रोडक्शन हाउस चली जाती है और बाहर खड़े होकर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। फिर सारा अपने घर पर जाती है और बाथरूम में जाकर वॉमिट करने लगती है, तभी वो नोटिस करती है कि उसके बाल भी अब झड़ने लगे हैं। इसी के चलते उसकी फ्रेंड ट्रेसी उसे बाहर बुलाती है
क्योंकि सारा 2 घंटे से बाथरूम में थी। सारा बाहर आकर ट्रेसी से ये कहकर झगड़ने लगती है कि उसने उसके दोस्तों को प्रोड्यूसर के बारे में क्यों बताया कि मैं तुम जैसे लूजर्स के साथ में फंस गई हूँ और इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। ये सुनकर ट्रेसी सारा को अच्छा खासा सुना देती है और कहती है कि पिछले 2 महीनों से वही उसका रेंट पे कर रही है और इस महीने के भी उसे पैसे आने की कोई भी उम्मीद नहीं लगती है। ये सब सुनकर सारा चुपचाप अपने रूम में वापस चली जाती है, जहाँ पर उसे प्रोडक्शन हाउस का एक लिफाफा मिलता है। जब वो उसे खोलती है तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं, जिन्हें लेकर सारा रूम से बाहर आती है और ट्रेसी के मुंह पर फेंक कर उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है और वो वापस अपने रूम में चली जाती है। तभी उसे डायरेक्टर दिखाई देती है, जो कि उसे एक्ट्रेस बनने का विजन दिखाती है। अब इसके बाद में उसकी बॉडी में एक्सट्रीम लेवल का पेन होने लगता है और वो कुछ देर तक बेड पर ऐसे ही पड़ी रहती है। फिर वो जैसे तैसे करके बाथरूम में जाकर खुद को देखती है तो उसके मुंह से और पूरी बॉडी से खून आने लगता है, यहाँ तक कि उसके बाल काफी सारे निकल चुके थे और उसके नाखून भी अब सड़ने लगे थे। सारा की हालत अब काफी ज्यादा भयानक होने लगी थी। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है तो जैसे तैसे सरकते हुए अपने फोन तक चली जाती है। जब वो फोन उठाती है तो फोन पर वही प्रोड्यूसर था जो कि उसकी हालत पर हंस रहा था। वो सारा से कहता है कि या तो वो दर्द भरी मौत का इंतजार करें या फिर अपने दोस्तों को मारकर हमारी तरह बन जाए, और अगर उसने ऐसा किया तो अगली सुबह उसके लिए एक नई शुरुआत होगी और उसे वो सब मिलेगा जो कि वो चाहती है। प्रोड्यूसर की बात सुनकर सारा डेनी को मारने के लिए पहुंच जाती है, जहाँ पर डेनी और एरिन एक साथ में थे। एरिन किचन में कुछ खाने के लिए लेने के लिए जाती है और सारा भी वहाँ पर आकर एरिन को प्रोवोक करती है। किचन की लाइट ऑफ होने के कारण एरिन सारा को ठीक से देख नहीं पाती है और सारा एरिन को बहुत कुछ सुनाने लगती है, लेकिन एरिन भी उस पर भड़क जाती है और उसे कहती है कि सारा एक मूवी में रोल पाने के लिए एक बूढ़े आदमी के साथ में इंटीमेट हुई है। तभी एरिन लाइट ऑन कर देती है और सारा की हालत देखकर चौंक जाती है। एरिन उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास में आती है और उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है, लेकिन सारा एक चाकू से एरिन का फेस काट डालती है और फिर उसके पेट में चाकू को घुसाकर उसे मारती है। फिर सारा फ्लोर पर एक डंबल उठाती है और एशली के रूम में जाकर एशली के फेस पर तब तक मारती है जब तक उसका फेस पूरी तरीके से क्रश नहीं हो जाता। उसे ये सब करते हुए पोई देख लेता है और वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और सारा उसकी पीठ में चाकू को घुसा घुसा कर उसे भी मार डालती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि एरिन अभी भी जिंदा है और सारा प्लास्टिक बैग से एरिन का गला घोटकर उसे भी मार डालती है। दूसरी तरफ डेनी एरिन का वेट कर रहा था और जब वो रूम के बाहर आता है तो देखता है कि सारा रूम के बाहर काउच पर बैठी है। फिर जब बातें करते करते डेनी सारा के पास में जाता है तो सारा उसे भी चाकू से मार डालती है, और ये सब करते हुए वही काले कपड़े वाले लोग देख रहे थे जिन लोगों को हमने प्रोड्यूसर के रूम में देखा था। फिर वे लोग सारा को वहाँ से एक जगह पर ले जाकर जमीन में दफना देते हैं और कई सारे लोग मिलकर उसके ऊपर एक रिचुअल को परफॉर्म करते हैं जिसमें वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी शामिल थे। फिर अब अगली सुबह सारा का एक नया जन्म होता है और अब उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था और वो जमीन से बाहर आती है और वहाँ पर उसके नाम का एक प्रेजेंट भी रखा हुआ था जिसमें हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। फिर वो प्रेजेंट लेकर अपने घर पर वापस जाती है और रूम में जाकर अपने बेड पर लेट जाती है। तभी ट्रेसी उसे ढूंढते हुए उसके रूम में आती है और जब वो चादर हटाती है तो देखती है कि सारा की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था और सारा भी अब अजीब लग रही थी। ये देखकर ट्रेसी घबरा जाती है और अचानक से रूम का गेट लॉक हो जाता है। सारा ट्रेसी को हिप्नोटाइज करके उसके साथ में इंटीमेट हो जाती है और फिर वो उसे भी मार डालती है। मूवी के एंड में सारा जब उस प्रेजेंट को खोलती है जिसमें एक ड्रेस और विग था और उसे पहन कर सारा अच्छे से रेडी हो जाती है और वो भी गले में वही स्टार वाला लॉकेट पहन लेती है, जिसके बाद वो भी ग्रुप की मेंबर बन जाती है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों, ये था स्टेरी आइज मूवी का एक्सप्लेनेशन। इस मूवी में हमने देखा कि सारा को एक एक्ट्रेस बनना था, लेकिन जब भी वो ऑडिशन देने जाती थी तो ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं हो पाती थी, लेकिन उसे एक अजीब तरीके का डिसऑर्डर था जिसमें वो अपने बालों को नोचती थी और इसी के चलते उसे एक एक्टिंग का ऑफर भी मिलता है। लेकिन प्रोडक्शन हाउस का प्रोड्यूसर सारा को उसके साथ में इंटीमेट होने के लिए कहता है। सारा ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन एक एक्ट्रेस बनने के लिए वो उसके साथ में इंटीमेट हो जाती है और यहीं से इस मूवी का ट्विस्ट शुरू होता है। वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और बाकी के लोग सभी एक ग्रुप के मेंबर थे और वो सारा को भी अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते थे, तो इसीलिए
वो सारा को अपने साथ में मिलाकर उसके दोस्तों को मरवा देते हैं, जिसके बाद वो सारा को एक ऐसी लाइफ देते हैं जैसी उसने चाही थी। लेकिन उसके दोस्त, उसके बाल, वो सब कुछ उससे छीन गया था। इस मूवी में दिखाए गए दो काले कपड़े पहने वाले लोग उसी ग्रुप के मेंबर थे जो कि सारा पर हर वक्त नजर रखे हुए थे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट जरूर करना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।